डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई केयर माई फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि वो इंडिया की जो मेडिकल प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, स्कोर कम होता है और गवर्नमेंट की सीट्स उनको या सेमी गवर्नमेंट की सीट उनको मिलती नहीं है, प्राइवेट का खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन MBBS करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, वो ओपन होते हैं बाहर किसी भी कंट्री में मेडिकल करने के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो बाहर MBBS करने के लिए ओपन है, ये वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए हमने तैयार किया है। हम अब बात कर रहे हैं एक सीरीज़ के अंदर कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेडिकल हमारे स्टूडेंट्स बाहर करने के लिए जा सकते हैं। और देखिए, अभी जो चल रही हैं कंट्रीज, सबसे पहले जॉर्जिया, रशिया, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और कुछ स्टूडेंट जो है मॉरिशस भी जा रहे हैं मेडिकल करने के लिए। हम हर सीरीज़ के अंदर हम एक कंट्री की बात करेंगे और उनके कॉलेजेस की बात करेंगे, क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छे होते हैं उनके बारे में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जॉर्जिया को लेकर, देखेंगे कि जॉर्जिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। उससे पहले हम बात करेंगे जॉर्जिया की कंट्री के बारे में। देखिए, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं आपको कुछ आइडिया उस कंट्री के बारे में भी हो। जैसे इंडिया का कल्चर है, हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी जॉइंट फैमिलीज है, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। हमारी तरह वो लोग भी भगवान को मानने वाले बहुत रिलीजियस हैं, गॉड फेयरिंग लोग हैं, और इसीलिए वो हमारे हमारे जो कल्चर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बिल्कुल हमारे तरह के कल्चर के लोग हैं इन कंपैरिजन ऑफ दी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। और दूसरा, एक हमारे स्टूडेंट्स में एक क्यूरियोसिटी होती है हमेशा बहुत कुछ जानने को लेकर, तो ये वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती है कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हमेशा बहुत और कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये मैं उन टीचर से बात करने के बाद आपसे एक्सपीरियंस उनका जो है शेयर कर रहा हूं, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर आए। इसके अलावा वहां के हम डेमोग्राफी की बात करें, वहां का ज्योग्राफी की बात करें, वेदर जो है बिल्कुल अच्छा वेदर रहता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल वेदर है, ना कि एक्सट्रीम कोल्ड और ना ही एक्सट्रीम गर्मी, ऐसा नहीं रहता है। इसके अलावा जो लोगों की बात करें, वहां पर 84% पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहां पर क्रिश्चियंस की है। आगे बढ़ते हैं, कॉलेज की बात करेंगे। अब एक एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, वहाँ पर फीस वगैरह क्या है और क्या खर्चा आपको पड़ेगा पूरे 5 या 6 साल का। यहाँ पर मेडिकल जो है 6 साल की रहती है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की। तबलीसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तबलीसी के अंदर, तबलीसी जो है कैपिटल है, इंटरेस्टिंगली तबलीसी का मतलब जो है वार्मनेस, राइट। सो ये उनकी लैंग्वेज में तबलीसी का मतलब है गर्माहट, मतलब दे कंसिडर देमसेल्फ एज ए वार्म पीपल। 1917 की यूनिवर्सिटी है तबलीसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कंट्री में इसकी रैंकिंग 9 है और वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 7500 के आसपास है। 8000 एनुअल फीस है, 8000 USD एनुअल फीस है। इंडियन करेंसी में जो आज का प्रेजेंट रेट है 78 का, जिसको मैं बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से 6,24,000 की 1 साल की फीस है और 6 साल की जो उसका जो टोटल खर्चा फीस का जो रहेगा आपका 37,44,000। अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तबलीसी में ही है ये भी, 2006 की है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेकंड रैंक है कंट्री का, वर्ल्ड रैंक है इसका 3,400 के आसपास और एनुअल फीस है 5,300 USD और INR में 4,13,000 के आसपास, 4,13,000। मैं INR में बार बार से बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन फिगर्स जो है हमारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक करनी है। और टोटल जो आपकी 6 साल की कॉस्ट है ट्यूशन फीस की 24,80,000 के आसपास। अगली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बतूमी शोता, बतूमी के अंदर है, 1923 की यूनिवर्सिटी है, कंट्री का में इसका रैंक 6 आता है, वर्ल्ड में रैंकिंग है 6,700 के आसपास और एनुअल फीस इसकी है $6,000 के आसपास, एनुअल INR में बात करें 4,68,000 और टोटल बात करें तो 28,80,000। आप देख रहे हैं कि 24 लाख, 37 लाख, 28 लाख, कितने कम पैसे में आप 6 साल की मेडिकल को कंप्लीट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की। देखिए, कितने कम पैसे में आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने लिया और वहाँ से आपने MBBS कंप्लीट किए। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया तबलीसी के अंदर 2004 की ये यूनिवर्सिटी है, इसमें कंट्री में इनका जो रैंक है वो 4 नंबर पर आती है और वर्ल्ड में रैंकिंग है 4,600 के आसपास। यहाँ पर दो तरह की फीस है, एक जो स्कॉलरशिप वाली और दूसरी बिना स्कॉलरशिप के।
जो बिना स्कॉलरशिप की जो फीस है वो है $6,000 की फीस है, जिसका मतलब है 4,68,000 पर एनम का खर्चा और टोटल खर्चा 28,80,000 का। वो स्टूडेंट जो मेरिटोरियस है उनको स्कॉलरशिप मिलने का प्रोविज़न है। और उसके बाद आपकी जो फीस रह जाती है $5,000 की फीस रह जाती है, जिसका खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली 3,90,000 का। मतलब टोटल आपकी MBBS की जो फीस है वो 23,40,000 की 6 साल की रहेगी। डेविड तबलदियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी तबलीसी के अंदर ही 1989 की यूनिवर्सिटी है, 32 रैंक है कंट्री के अंदर और वर्ल्ड में रैंकिंग है 10,378। $6,000 की पर एनम की फीस का खर्चा है। बात करें तो इंडियन करेंसी में 4,68,000 और टोटल जो है 28,80,000। यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2012 की यूनिवर्सिटी है, तबलीसी के अंदर ही है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यहाँ पर तबलीसी में है, तबलीसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। सो यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2012 26 रैंकिंग है कंट्री के अंदर और 10,170 रैंक है इसका वर्ल्ड के अंदर। 5,000 एनुअल फीस है, मतलब 3,90,000 और 6 साल का अपना जो खर्चा है वो 23,40,000 का। जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी SCU अगेन डिमांड में रहती है, 2001 की यूनिवर्सिटी है, तबलीसी के अंदर ही है, 13th रैंक है कंट्री के अंदर, 8,377 वर्ल्ड रैंक है और इसकी जो फीस है वो है $5,500, इसका मतलब 4,29,000 और खर्चा है 25,74,000 6 साल का। BAU यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये बतूमी के अंदर है और ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 2015 के अंदर, कंट्री में रैंक है 31, वर्ल्ड में रैंक है 10,336, 6,500 फीस है इसकी, जिसका खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली 5,07,000 और टोटल खर्चा आपका इंडियन करेंसी में आ जाता है 30.72 लाख। देखिए ये सारा जो 6 साल का खर्चा था ट्यूशन फीस का था, आपने देखा कि सबसे कम जो ट्यूशन फी है वो प्राइवेट के अंदर बात करें तो 23 लाख की फीस है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के अंदर भी और यूरोपियन यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे कम फीस है इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर 24,80,000। सो ये कम से कम फीस है आपकी जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस की। खाने पीने का जो खर्चा है वो आपका अलग से आएगा, अप्रॉक्सीमेटली पूरे 6 साल का जो खर्चा आपका 12 से लेकर 14 लाख रुपए का खर्चा आता है। सो अगर हम टोटल वो खर्चे को भी ऐड कर दें ट्यूशन फी के साथ, सो आपकी कंप्लीट मेडिकल की एजुकेशन रहने खाने पीने के साथ साथ 35 लाख रुपीज़ से शुरू होके 45 लाख रुपीज़ के अंदर आपकी अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी की मेडिकल की एजुकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत सही सॉल्यूशन, बहुत सही ऑल्टरनेटिव रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है उनमें जाने को तैयार हैं और उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर कब होगा, कैसे होगा, कब कब कौन कौन से सेमेस्टर यहाँ पर रहेंगे और कब वो जब सेमेस्टर जो शुरू हो जाएंगे, इसके बारे में हमारी पूरी एक ओवरसीज़ डिपार्टमेंट है जो आपकी हेल्प करेगा, आपको हेल्प कर सकता है, पूरे गाइड करेगा। सारी प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी जो हमारी टीम ले लेगी, क्या वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, यहाँ से जाने को, यहाँ से आप कैसे जाएंगे उसका सारा अरेंजमेंट करना, वहाँ पर आपको रिसीव करने को ही आएगा वो हमारी तरफ से अरेंजमेंट रहेगा। तो यूनिवर्सिटी में जब आप पहुँचेंगे तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पर हॉस्टल के अरेंजमेंट को लेकर, तो कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन इंडिया से लेकर वहाँ तक का, जब तक आप जो है वहाँ पर अपने आप को सेटल्ड और कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, हमारी टीम जो है आपकी पूरी हेल्प करती है। सो इसके लिए आप हमें नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक फॉर्म डाल रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट्स खास तौर पर सुनेगा, वो स्टूडेंट जो ओवरसीज जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, मेडिकल के लिए ओपन है, जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, वो ही सिर्फ इस फॉर्म को भरेगा, फिर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके बाकी सारा प्रोसीजर डिटेल में बता देगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।